वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। तो अगर आप सब मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज हम बना रहे हैं बच्चों के लिए हेल्दी लंच बॉक्स के लिए एक हेल्दी सी रेसिपी, जिसके लिए हमें चाहिए 1 kg आलू और उसे बॉईल करके मैश कर लें। मैश करने के बाद उसमें हमें चाहिए 1 teaspoon काली मिर्च पिसी हुई, दूसरी तरफ 1 teaspoon अजीनोमोटो जिसे चाइनीज सॉल्ट भी कहते हैं, नमक हसबे जायका, और इन तमाम चीज़ों को डालकर इसे अच्छी तरह से मैश कर लें। मैश करने के बाद हमें दूसरी तरफ चाहिए एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म कर लें, और जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें हमें 200 बंद गोभी चाहिए, 200 गाजर और 1 से 2 शिमला मिर्च, उसे सौते कर लें। सौते करने के बाद उसमें हमें चाहिए 1 teaspoon काली मिर्च पिसी हुई, 1 teaspoon अजीनोमोटो और नमक हसबे जायका। इसे मिक्स करके अच्छी तरह से सौते करें, और जो है इसके बाद हमें ये चाहिए जब वेजिटेबल अपना पानी थोड़ा थोड़ा सा खुशक निकलना शुरू हो जाए उससे, तो हम उसके अंदर डालेंगे 2 tablespoon वाइट विनेगर, जिसे सिरका, 2 tablespoon सोया सॉस, 2 tablespoon चिली सॉस, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और सब्ज़ी को जो है ज़्यादा गलाएंगे नहीं, इसे क्रंची क्रंची रखेंगे। दूसरी तरफ मैंने इसमें 250 ग्राम चिकन को रेशे बना लिए हैं, और उसके बाद वो हमने मिक्स कर लिए। मिक्स करने के बाद हमने दूसरी तरफ जो मैश पोटैटोज रखे थे उसके अंदर हमने थोड़ी सी छोटी छोटी सी टिकियाँ बनाई, उसके अंदर स्टफ़ फिलिंग करी, और फिलिंग करने के बाद उसे हमने एक तरफ अंडे में डिप किया। अंडे में डिप करने के बाद दूसरी तरफ फ्रेश ब्रेड क्रम्स लगाकर हमने इसके जो है पैटीज़ बना ली हैं, और उसके बाद पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल गरम किया, और ऑयल गरम करने के बाद हमने सिर्फ इसको स्टफ़ फ्राई किया। याद रहे इसके अंदर कोई भी चीज़ कच्ची नहीं है, सब बॉयल्ड है, पकी हुई, कुक्ड है, तो इसलिए हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्के हल्के से स्टफ़ फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो मज़ेदार सी लंच बॉक्स की हेल्दी रेसिपी तैयार है। उम्मीद है कि आप सब इसे इंजॉय करेंगे, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक जब तक हम मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।